रिजर्व के कोर जोन अंतर्गत लंबनी वन पर क्षेत्र के इन दिनों कांजी हाउस बनने के नाम पर एटीआर कर्मचारी सूखी लकड़ियों की आड़ में हरे भरे पेड़ों की कटाई करवा रहे हैं। बता दें कि लंबनी वन ग्राम में कांजी हाउस निर्माण कार्य किया जाना है। इस कार्य के लिए डीएफओ विजया कुर्रे के मौखिक आदेश पर सूखी लकड़ियों की कटाई जारी है। इस तरह कंपार्टमेंट नंबर 10 में भी 35 हरे भरे पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। कल अचानक कुछ लोगों के द्वारा पता चला, गांव वालों के द्वारा है, कि रेंजर साहब खुद लकड़ी कटवा रहे हैं, उनका बीट गार्ड खुद खड़े होकर कटवा रहा है, उनके पैदल गार्डों के द्वारा कटवाया जा रहा है। तो हम लोग पूछे उनसे क्यों कटवाया जा रहा है, काहे के लिए कटवाया जा रहा, तो वो हम लोग को जवाब देना जरूरी नहीं समझे और एक बार बोले वो गांव के उपयोग के लिए, हम लोग कहीं बेचने नहीं लेके जाएंगे ऐसा करके। वो क्या बोलते हैं, कांजी हाउस बनवाने के लिए गिरी पड़ी सूखी लकड़ी को खुद शासकीय रूप से कटवा के उसको कोर जोन में क्या ऐसा मौखिक आदेश चलेगा? ये कोर जोन में किसका आदेश चलेगा क्या है, हमको हमारा उच्च अधिकारियों को जो निर्देश मिला उसका हम फॉलो। कौन अधिकारी आपको निर्देश दिए हैं? हमारे अधिकारी हमको हर रेंजर आके निर्देश दिया कि फलाने जगह ये कांजी हाउस बनना है, इसलिए गिरी पड़ी सूखी लकड़ी कटवा लो। अभी आप बार 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 एटीआर के डिप्टी डायरेक्टर का नाम ले रहे हैं मैडम का, क्या उन्होंने आदेश दिया? नहीं, उनको दिया होगा रेंजर साहब, मेरे को आदेश दिए।